Staying abroad mostly past 15 years and had been associated with the film industry out of the country also. And it's a great honor to be here on the occasion of launch of this music on the general list. So I wish all the best for the movie and the song, that it should not in India, but also it should be on the global platform, on the international platform. मैं सुरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और वो बहुत ही ओजस्वी बहुत ही तेज काम है उनका और इसके पहले भी कई सम्मान उनको मिले हैं मीडिया जगत और फिल्म जगत में तो मेरी तरफ से शुभकामना और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उनकी ये मूवी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो लेके आए हैं और आगे बहुत ही अच्छा रहेगा उसके लिए जर्नलिस्ट किस तरह की मूवी होगी सुजीत जी आपके दोस्त है आपको बताए होंगे नहीं बहुत डिटेल में बात नहीं हुई है लेकिन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत गुड उसके विषय में जानकारी मुझे नहीं है ओके नमस्कार मेरा नाम दीपक सारस्वत है मैं फिल्म इंडस्ट्री में राइटर और डायरेक्टर हूँ करता हूँ और ये इसी प्रोडक्शन की मेरी दूसरी फिल्म है इससे पहले एक फिल्म जो तैयार हो चुकी है जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएगी जी ओके सर आप डायरेक्टर स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किया गया इसके ऊपर बताएंगे स्टार कास्ट पर हमने अभी तो वर्कआउट नहीं किया है क्योंकि सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है या जर्नलिज्म को उठा रहे हैं हम लोग जो कि बेसिकली पत्रकारिता एक वो चीज है जो आप खुलेआम बोल सकते हो बाकी किसी डिपार्टमेंट को इजाजत नहीं है तो इसको लेकर इतना खेला गया है इतना मैटर इकट्ठा किया गया है कि कास्ट तक बात अभी तक नहीं आई है लेकिन जाहिर सी बात है कि फिल्म अच्छी लेवल पर बन रही है तो स्टार कास्ट भी अच्छी दिखाई देगी इसमें देखा जाए तो इसमें डायरेक्टर का सबसे ज्यादा काम होता है मूवी में तो आपने क्या क्या रिसर्च की इस बारे में बताएंगे देखिए फिल्म का टाइटल है द जर्नलिस्ट एक पत्रकार के ऊपर एक कहानी है आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो जो पत्रकार सच्चे पत्रकारिता में आते हैं और चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो समाज में जो असामाजिक तत्व हैं या फिर हाई पोस्ट पर बैठे हुए अफसर्स नेता हैं वो उनको जीने नहीं देते तो ये उसी कहानी को लेकर ये बनाई जा रही है कि इसमें एक सच्चे पत्रकारिता की कलम उठाते हैं एक व्यक्ति और जो कि सच्चाई से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं जी सर जहाँ तक बात करें पीछे काफी दिनों से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं तो उसके कुछ जी बिल्कुल देखिए आप गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात के अंदर वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और कहानी के अंदर इसी चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है क्योंकि जो लोग सच्चाई के लिए सामने आते हैं तो जो भ्रष्ट राजनीति है या समाज है ये इतना पावरफुल होता है कि सच्चे इंसान की कोई जगह टिकने नहीं देता यही कारण होता है कि कितने सारे पत्रकार मारे जाते हैं किसी रेड में मारे जाते हैं इनकाउंटर कर दिया जाता है गलत तरीके से तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सब्जेक्ट को आगे लिख रहे हैं सर इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का कैसे आप विचार है जी बिल्कुल देखिए जितने भी हमले भारत देश पर होते हैं हमारी धरती पर होते हैं
बहुत नुकसान किया जाता है आतंकवाद और नेक्स्ट लाइट के थ्रू, पर आप आंकड़ा निकाल के देखिए कि जितना नुकसान अभी तक हुआ है आतंकवादियों द्वारा या किसी बाहरी के तत्व द्वारा, उससे 100 गुना ज्यादा अपने देश के लोग करते हैं। किसी आंदोलन में, किसी अभी जाट आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन इसमें पत्रकार जो आगे आते हैं और ऑन स्पॉट शूट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनका सामना हो जाता है हमारी गंदी राजनीति, हमारे सामाजिक असामाजिक तत्वों से, जहां पर वो फेस करते हैं, और जो काम पुलिस का होता है वो भी हमारे पत्रकार लोग कर रहे हैं आजकल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक पत्रकार व्यक्ति की क्या आगे होनी चाहिए, एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए जिसमें वो जी सके। आजकल पत्रकारों के ऊपर संघ बनाए गए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो पत्रकारों को अधिक राइट दिलाने के लिए और एक यूनियन खड़ा करने के लिए सरकार को एक उचित कदम उठाना आवश्यक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई जा रही है। बात कर सर, थोड़ा सा आपने। मैं SB यादव, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और सोशल एक्टिविटी से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को इस तरह से पहली बार एक साथ में, और सुरेंद्र यादव जी हमें याद किए तो मुझे आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा कि जर्नलिस्ट पर फिल्म बन रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर सुरजीत सिंह जी हैं, जो मीडिया से ही हैं, दीपक जी वो भी मीडिया से जुड़े हुए जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी, पहले बहुत अच्छी सोच है, जैसा कि मीडिया से जुड़े हुए जो जर्नलिस्ट होते हैं इतने ऐसे माहौल में कवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और बिना किसी कुछ परवाह किए ऐसी खबरें जो सच्चाई से बिल्कुल निर्भीकता से पेश करते हैं, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये इसको और भी अच्छे तरह से, जैसा कि ये जो पिक्चर बना रहे, और भी इससे बेहतर और अच्छे लोग आपके जर्नलिस्ट में आगे आएंगे।